नमस्कार दोस्तों, मैं हरिनारायण कुमार, आप सभी का बेस्ट ऑल्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अभी बिहार लघु उद्यम योजना के तहत सभी को 2-2 लाख रुपया मिला है। 50,000 लोग का इस बार टारगेट रखा गया है और उसमें 50,000 का सिलेक्शन भी हुआ है, लेकिन 50,000 का 20% करेंगे तो 10,000 का लिस्ट अभी आना बाकी है। अभी देखिए, अभी तक जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो यहाँ पे आप आए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इनका कहना है कि बिहार लघु उद्यम योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 23 फरवरी 2024 को औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अभी तक यहाँ पे देखेंगे एससी कैटेगरी का है, एसटी का है, जनरल का है, ईबीसी का है, बीसी का है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी वेटिंग लिस्ट का अभी चर्चा नहीं किया गया है। हो सकता है कि डिपार्टमेंट का क्या यहाँ पे मनसा है, कोई इतना लेट किया जा रहा है वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो अभी तक 10,000 का वेटिंग लिस्ट आएगा, अब इसमें कब आएगा इसका कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन जो आप लाइव यहाँ पे फेसबुक पे देखेंगे वहाँ पे क्लियरली कहा गया कि हम वेटिंग लिस्ट हम आज ही जो कंफर्म वाला है फाइनलिस्ट मेरिट लिस्ट वो 50,000 का हम आज ही डाल देंगे। इसके बाद जो है ना वेटिंग लिस्ट जो सीरियल बाई, जैसे कि मान लेते हैं कि फाइनल लिस्ट मेरिट लिस्ट के बाद जो होगा उसी को वहीं से हम 10,000 को उठाएंगे। अब इसमें मैं डिस्ट्रिक्ट बाई उठाएगा। अब इसमें दिव्यांग के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है कि दिव्यांग को अलग से बनेगा या उसी में बनेगा, लेकिन यहाँ पे दिव्यांग भाई के लिए यस या नो करने का जब अप्लाई करे होंगे वहाँ पे यस या नो का ऑप्शन दे रहा था, तो भाई दिव्यांग को तो मिलना चाहिए, लेकिन दिव्यांग कैटेगरी के बारे में भी कोई अपडेट ऐसा नहीं दिया गया है। अब इसमें हमें उतना बात को मैं ना लूँ, डायरेक्ट मैं टू दी पॉइंट पे मैं आऊँ। तो इनमें मैं बहुत सारे लोग कहा कर रहा था क्या कि सर जो मेरा फाइनेंस में नाम है, हाँ, अब इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, लाभ कैसे मिलेगा, आगे क्या करना है, या इसमें ट्रेनिंग भी होगा क्या, पेमेंट कैसे मिलेगा, सारा चीज़ थोड़ा बताइए क्लियरली। तो इसमें एक जो आपका यहाँ पे 23 तारीख को ही रेंडमाइजेशन हुआ, उसी दिन स्टेट लेवल का मीटिंग भी हुआ था, समीक्षात्मक बैठक, ऐसा कहीं भी नोटिस नहीं आया है आगे क्या करना है। हाँ, लेकिन प्रथम किस्त जो मिलेगा उससे आपको क्या करना है, आप नहीं शादी ब्याह किसी का कर सकते हैं। एक लोग कह रहा था कि सर मुझे जो है ना अब इस पैसे को हम कहीं दूसरा जगह हम कर लें, क्या मैं कर सकता हूँ क्या? तो भाई देखिए, 3 किस्त में इसीलिए दिया जा रहा है कि 50,000 पहले आपको मिलेगा, तो इसमें जो है वेरिफिकेशन होगा, फिल वेरिफिकेशन में अफसर लोग जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि आपका सही सही सदुपयोग हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं होगा तो 50,000 मिल के ही आपको रह जाएगा, आपसे सरकार वसूलेगी नहीं, समझे। अगर हो सकता है कि आपसे कार्रवाई भी किया जाएगा कि जिस मैटर के लिए आपको दिया गया, जिस उद्योग के लिए दिया गया है, जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको दिया गया है, आपने उसको यूज नहीं किया है, तो आपसे पैसा रिकवरी भी हो सकता है, ऐसा है। अब इसके बाद जो है कि कोई कोई ये भी कह रहा है कि सर हम शादी ब्याह में हम खर्चा कर देंगे कोई दूसरा चीज़ में, तो भाई आपका अगला किस्त तो कभी भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप इससे रोजगार कीजिए, आपको रोजगार के लिए दिया गया है, इसलिए आप जो 2 लाख को 10 लाख बनाइए, 50 लाख बनाइए, 2 करोड़ बनाइए, 2 लाख से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए उसी में आप लोग काम चलाइए, आपका हो सकता है। मैं आपके शुभकामना के साथ हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ 50,000 जितने भी सिलेक्शन हुआ है उसके बारे में। अब इसमें 50,000 के बाद वेटिंग लिस्ट जो कहा गया है वो मैं उसका सपोर्ट करता हूँ वेटिंग लिस्ट का, लेकिन वेटिंग लिस्ट के पारदर्शिता के लिए अभी तक लिस्ट जारी कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुआ है, तो ये तो थोड़ा पारदर्शिता की बात जो किया जा रहा है, इसमें संचय है, लेकिन अब संचय को दूर भी कैसे किया जा सकता है, जो भी वो लोग का मनमाना है वो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो फाइनल इसमें नाम है मेरे भाई, अभी तक कोई नोटिस नहीं है, जो ही नोटिस आएगा मैं आपको बता दूंगा, इसलिए आप लोग कहीं भी चिंता ना करें। बीएसटी ऑल टिप्स एकदम पैनी नज़र रखा हुआ है हर एक छोटे छोटे अपडेट पे, तो हर एक छोटा छोटा अपडेट आपको मिलता रहेगा, इसलिए आप चिंता ना करें। आप कमेंट में आपको जवाब आपको उतना हाँ, लेकिन कमेंट में आप यही जो वीडियो आपको को कैसा लग रहा है थोड़ा इसको धाड़स बताते रहिए कि मैं ऐसा प्रेरित हूँ वीडियो बनाने के लिए। बहुत ऐसा होता है कि डीमोटिवेट करते हैं, उसके बाद हटाइए ना, मैं इग्नोर कर देता हूँ। हाँ, लेकिन इसमें
जो ही कोई अपडेट आएगा, अभी तक कोई अपडेट ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अभी तक जिसके मान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ है, जैसे हो सकता है कि आय नहीं बना था, कोई दूसरा अपलोड कर दिए हैं, तो आप भाई हर हाल में आप आय बना लीजिए, आपको ड्राफ्ट कैटेगरी में डाल करके एक मौका आपको दिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहीं भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन ही आपका सारा चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारा चीज़ हो जाएगा। और फिल वेरिफिकेशन के लिए आपको आएगा पेमेंट, आपको पहला किस्त मिल जाएगा, उसको सदुपयोग करना है, मशीनरी वगैरह में खर्चा करना है, सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं है, इसलिए अगले अपडेट का आपको वेट करना है, धैर्य बनाए रखें। मैं आपके धैर्य की प्रशंसा करता हूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद। ऐसा कोई अभी ऐसा अपडेट नहीं है, जितना अपडेट था ऑलरेडी मैंने दे चुका हूं। अगर कैसे पेमेंट मिलेगा, ट्रेनिंग क्या होगा, भाई हर एक वीडियो में रख दूंगा, अभी कोई ऐसा आगे नहीं करना है। हाँ, एक लोग कह रहे थे कि सर करेंट अकाउंट खुलाना पड़ेगा क्या। मेरे संज्ञान में आया है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा क्या। देखिए, तो नोटिफिकेशन भी आप देखेंगे संकल्प पत्र, वहाँ पे कहीं भी कतई नहीं लिखा है कि करेंट अकाउंट देना पड़ेगा। आप पोर्टल पे देखिएगा तो वो उद्यमी योजना के तहत है कि भाई करेंट अकाउंट फॉर्म के नाम से करेंट अकाउंट खुला करके देना है, लेकिन लघु उद्यमी योजना में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि फॉर्म के नाम से करेंट अकाउंट खुला करके देना पड़ेगा। अगर हो सकता है कि नोटिस ऐसा आएगा तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन अभी तक जो सेविंग अकाउंट है उसी में आपको डाला जाएगा पेमेंट, समझे। इसलिए सेविंग करेंट अकाउंट खुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए तब तक करेंट अकाउंट खुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पोर्टल पर है तो उद्यमी योजना के बारे में है, फर्म के नाम से करेंट अकाउंट, लेकिन लघु उद्यमी योजना में ऐसे कहीं भी नहीं बोला गया है। जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे न्यूज हो, मीडिया हो, कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया है कि फर्म के नाम से करेंट अकाउंट दे। इसलिए मेरे भाई जो सेविंग अकाउंट है उसी से आपका काम चलेगा, अभी आपको कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मांगा जाएगा सभी के लिए मांगा जाएगा, इसलिए अभी खुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फर्म के नाम से करेंट अकाउंट खुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेविंग अकाउंट आपने डाला था वो सही सही है तो आपको हो जाएगा। अब इसमें कुछ लोग कर रहे हैं कि मैंने अकाउंट जो डाला था वो अकाउंट मेरा गलत हो गया है, अब क्या होगा। तो DIC में जाएं, वहां पे लॉगिन ID पासवर्ड होता है, आप वहां से करेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल अभी करेक्शन करने का कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है, आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल्टी। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ए स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAEMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।